नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएमटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। हंडिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में महिला बाल विकास विभाग द्वारा बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा और घरेलू हिंसा, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित होने वाली महिलाओं के साथ घटित घटनाओं और उसे कैसे रोका जाए विषय पर एक कार्यशाला हंडिया शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती सीमा उनकर के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। इस अवसर पर महिला बाल विकास परियोजना समन्वयक हंडिया तहसील क्षेत्र की सेक्टर प्रभारी महिला कार्यकर्ता प्रमुख रूप से उपस्थित थी। श्रीमती जैन आज के परिवेश में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने की घटनाओं पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है कि महिलाएं बालिकाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़, दहेज प्रताड़ना और बच्चों के साथ गलत व्यवहार आदि विषयों पर विस्तार से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि रेवा सखी सुरक्षा शौर्य दल की सदस्यों को घर में होने वाली हिंसा के संबंध में अवगत कराया, जिससे दोषी लोगों पर उचित कार्यवाही की जा सके। वहीं 0 से 10 वर्ष तक की बालिकाओं के सुकन्या के खाते खोलने के लिए प्रेरित किया। वो जो संचित विटामिन है वो हमारे भोजन की पूर्ति करते हैं। तो सभी बालिकाओं आपको रोज प्रतिदिन अच्छा संतुलित आहार करना चाहिए, जिसमें कुछ मात्रा में अनाज हो, कुछ मात्रा में परिवार। दो कुलों को ताटे, लड़का तो सिर्फ एक कुल को ताटता है जिसमें वो पैदा हुआ है, लेकिन महिलाएं क्या करती है, दो कुलों को ताटती है, एक तो अपने मायके पक्ष को और एक ससुराल पक्ष को। इसलिए हमें